Hello friends, welcome back to our today's session. हम देख रहे हैं C language and in C language we are discussing on the topic of operators. Okay, last के वीडियो में हमने देखा था कि what is increment and decrement operator. Okay, so friends in today's session we are going to discuss on the topic of what is conditional operators. Okay, so चलिए देखते हैं conditional operators exactly है क्या. Okay, so our topic is conditional operators. ओके, सो कंडीशनल ऑपरेटर्स कौन से हैं? कंडीशनल ऑपरेटर्स क्वेश्चन मार्क एंड कोलन. ओके, इन ऑपरेटर्स को कहेंगे कंडीशनल ऑपरेटर्स. इसमें कंडीशन कैसे चेक करते हैं देखो. सो पहले हम इसका सिंटैक्स देखेंगे, बाद में उसका एग्जांपल देखेंगे. ओके, सो इसका सिंटैक्स क्या है? एक्सप्रेशन वन क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन टू कोलन, एक्सप्रेशन थ्री. ओके, यहां पे देखो ये है कंडीशनल ऑपरेटर्स. अब देखो ये एक्सप्रेशन कैसे वर्क होता है. यहां पे इस एक्सप्रेशन में कुछ कंडीशन चेक की जाएगी. ओके, सो इफ कंडीशन इज ट्रू देन एक्सप्रेशन टू इज एग्जीक्यूटेड. ओके, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो एक्सप्रेशन टू एग्जीक्यूट हो जाएगा. अदरवाइज कंडीशन फॉल्स होती है तो एक्सप्रेशन थ्री एग्जीक्यूट हो जाएगा. ओके, सो चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं, उससे आपका और क्लियर हो जाएगा कि ये ऑपरेटर्स कैसे वर्क करते हैं. ओके, सपोज हमारे दो इंटीजर नंबर है, इंट ए इज इक्वल टू 10 एंड बी इज इक्वल टू 15. ओके, सो सपोज हमें इन दो नंबर में से कौन सा ग्रेटर नंबर है ये कंडीशन चेक करनी है. ओके, सो चलिए देखते हैं कि बाय यूजिंग दिस कंडीशनल ऑपरेटर्स हाउ टू चेक द ग्रेटर नंबर. ओके, सो हमारे दो नंबर्स है इंट ए इज इक्वल टू 10 एंड बी इज इक्वल टू 15. सो हमें और एक इंटीजर वेरिएबल लगेगा इंट एक्स. ओके, सो एक्स इज इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी क्वेश्चन मार्क ए कोलन बी. ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट एक्सप्रेशन, दिस इज सेकेंड एक्सप्रेशन एंड दिस इज थर्ड एक्सप्रेशन. ओके, सो हमने क्या कहा था? If this expression is true, then it will print this. Otherwise, it will print this. So, A की value कितनी है? 10 है. And B की value कितनी है? 15 है. So, ये expression true नहीं होता. Okay. So, that's why it will not execute this expression. Then it will print directly B. Means, X की value क्या होगी? B की value होगी. That is 15. Okay. So, ऐसे check होती है condition. सपोज मान लो हमने एक्सप्रेशन में कुछ ऐसा चेंज किया. ओके, ए इज लेस देन बी, सो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू होती है. सो दैट्स व्हाई इट विल एग्जीक्यूट दिस एक्सप्रेशन. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? वैल्यू ऑफ एक्स इज ए, दैट इज ए की वैल्यू कितनी है? 10. ओके, सो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 10 हो जाएगी. गॉट इट? सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये कंडीशनल ऑपरेटर्स कैसे वर्क होते हैं. सो इसमें फिर भी कुछ आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं. सो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं ये डिस्कस करेंगे. सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल दैट टाइम थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय.